हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब उनको कैसे उगाया जाता है क्रॉप्स को, ठीक है, और फिर उनको कैसे उनका प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया जाता है, उनको कैसे रखा जाता है, उनको कैसे स्टोर करके रखा जाता है, उनको कैसे बेचा जाता है। इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल से वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बहुत बड़े अमाउंट में एक जगह पर उगाना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट, मतलब किसी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वीट के प्लांट का। अगर किसी जगह पे वीट के क्रॉप्स है, मतलब उस जगह पे सारे के सारे जो प्लांट होंगे वो वीट के ही होंगे, गेहूं के ही होंगे बेटा, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी जो बाजरा होता है, ठीक है, बाजरे का अगर मान लो बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पे बहुत सारे बाजरे के प्लांट लग रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? क्रॉप ऑफ बाजरा, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, इसे बोलते हैं क्रॉप्स। अब क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है, सीजन के हिसाब से हमने क्रॉप्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया बेटा? थ्री हिस्सों में। पहला होता है खरीफ, ठीक है, रबी क्रॉप्स एंड थर्ड होता है जेड क्रॉप्स। ये तीन टाइप्स की क्रॉप्स होती है बेटा। अब ये खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रो ऑन द सीजन, रेनी सीजन, मतलब वे क्रॉप्स जिनको रेनी सीजन में बोया जाता है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन, बरसात के सीजन में ही बोया जाता है, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ठीक है। और रबी क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। देखो ये तो होती है बेटा रेनी सीजन में, ठीक है, और ये होता है विंटर में, ठीक है, और ये होता है समर सीजन में, ठीक है। मतलब रबी की क्रॉप जो है समर सीजन के अंदर, विंटर में, और जेड क्रॉप्स समर सीजन में ग्रो की जाती है, ठीक है। एग्जांपल से बेटा पी, ग्राम, जितने भी दाले हैं पीस होते हैं, ठीक है, वीट, गेहूं, मस्टर्ड एंड लिंसी। और समर वेकेशंस के अंदर जो आती है जेड की फसल आती है, ठीक है, जिसके अंदर पपाया एक्सेट्रा वगैरह सारे के सारे आते हैं। अब इन बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या होती है, प्रैक्टिस मतलब कोई भी जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं कराने के लिए हमें जो कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिस यूज कर लेते हैं, उन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं फसल उगाने के लिए? सोइल प्रिपरेशन करते हैं। क्या बेटा? सोइल प्रिपरेशन। सोइल मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर हम उसके ऊपर सोविंग करते हैं। सोविंग मतलब जिस फसल को उगाते हैं उस बीज डाले जाते हैं बेटा। क्या डाले जाते हैं? बीज बोए जाते हैं, फिर उनके अंदर एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, मतलब खाद डाली जाती है उसके ऊपर। क्या डाली जाती है? फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है ताकि अच्छे से फसल ग्रो हो, उसके ऊपर कोई कीड़े या कोई बीमारी ना लगे फसलों के ऊपर, ठीक है। फिर उनके ऊपर क्या जाता है? इरीगेशन बोलते हैं पानी की टेक्निक्स को। पानी डाला जाता है उनके ऊपर। क्या डाला जाता है? पानी दिया जाता है, ठीक है। और इरिगेशन के भी अलग अलग मेथड है, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, मतलब कीड़े लग जाते हैं या कोई बीमारी लग जाती है या कोई जानवर उनको खा जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। फिर उनको हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग मतलब फसल जब पूरी तरीके से पक जाती है, फसल के पकने के बाद उसकी कटाई की जाती है,
की जाती है, उसको कटिंग किया जाता है। कटिंग करके उस फसल को एक जगह पर स्टोर किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, तो 7 प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने किसी भी फसल को ग्रो करने की। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल, फिर शोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सोइल मतलब मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ता है। किसी जब सबसे पहले हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वहाँ की मिट्टी को क्या किया जाता है, वहाँ पे हल या किसी भी ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। फिर वहाँ पे सोइंग की जाती है, सोइंग मतलब बीज डाला जाता है। ठीक है, फिर एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसके अंदर फर्टिलाइजर्स एड किया जाता है, मतलब मिट्टी के ऊपर फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है। फर्टिलाइजर क्या होती है बेटा, खाद कहते हैं जिसमें। ठीक है, फिर इरिगेशन होती है, इरिगेशन कहते हैं बेटा पानी डालना, फिर उस फसल के ऊपर पानी डाला जाता है। ठीक है, फिर पानी डालने के बाद फिर उस फसलों को बीमारी से बचाने के लिए या कीड़े लगने से बचाने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया जो फसलों को क्या कर देते हैं, क्रॉप्स को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेटा, उनके होने से बचाने के लिए उनके ऊपर क्या किया जाता है, कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, कुछ केमिकल्स उनके ऊपर डाले जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। फिर उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग फसलों की कटिंग करना, फसलों को जो क्रॉप्स हमारी ग्रोन हो चुकी है, जैसे मान लो वीड पूरी तरीके से पक चुके हैं, सारे के सारे गेहूं जो है पूरी तरीके से, उनको लास्ट में क्या किया जाता है, काटा जाता है, काट के उनमें से गेहूं के दाने बाहर निकाले जाते हैं, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है बेटा, फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद जो गेहूं निकलता है उनको एक एक थैले में या कट्टे में जो भी डाल के उनको किसी सेफ जगह पे स्टोर किया जाता है, ताकि वो वेस्ट खराब ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोरेज। तो इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस की जाती है, बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, द गिव द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये 7 बेसिक प्रैक्टिस है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, फिर शोविंग, एडिशन मैनर एंड फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड फिर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है बेटा, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। वापस हम डिटेल से पढ़ते हैं कि सोइल को कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। सोइल प्रिपरेशन करने के बेटा अलग अलग कई टाइप्स के मेथड हैं, जिसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनको हम हर एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सोइल को कैसे किया जाता है, मतलब जो मिट्टी होती है, द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द शोइंग ऑफ क्रॉप। सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन। सोइल को क्या किया जाता है बेटा, टर्न किया जाता है, मतलब नीचे वाली मिट्टी जो होती है उसको खोद के बाहर निकाला जाता है, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब ये अलग अलग टेक्निक से किया जाता है बेटा। ठीक है, पुराने जमाने में के जो ओल्ड मेथड होते हैं, पुराने जो किसान थे, हमारे फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, अपने साथ में बैल रखते थे। बैल क्या होते हैं, जो गाय होती है ना, उनके मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो बैल रखते थे। उन बैल्स के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, हल जोता था। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्लगिंग, मतलब प्लग करके जमीन से क्या मिट्टी को खोदा जाता था, ताकि मिट्टी क्या हो जाए, एकदम हल्की हो जाए, चारों तरफ से पोली हो जाए बेटा। ठीक है ना, फिर बाद में इसका एक अलग मेथड आ गया, मतलब हल, हाथ वाला हल का हल आ गया, मतलब किसान भी हल चलाने लग गया खुद हाथों से। ठीक है, फिर मॉडर्न टेक्निक आ गई, जिसके अंदर आ गई कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक कल्टी जुड़ती है, जिसको बोलते हैं कल्टीवेटर। ये ट्रैक्टर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक साथ कई एरिया को हम आसानी से मिट्टी को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये 3 मेथड है एग्रीकल्चर ऑफ इक्विपमेंट के अंदर प्रिपरेशन, सोइल प्रिपरेशन करने के। सबसे पहला प्लगिंग के अंदर क्या हम यूज में लेते हैं, ऑक्स यूज में लेते हैं, ठीक है ना, बेल यूज में लेते हैं। ठीक है, बेलों के द्वारा जो प्लगिंग होती है। फिर होई, ये सिंपल टूल, एक होई जो होता है, एक सिंपल टूल होता है, जो मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए यूज में लिया जाता है, मिट्टी को पोली करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है बेटा, फिर कल्टीवेटर हमने देख लिया। कल्टीवेटर क्या है, जो आज के मॉडर्न टेक्निक है, जो ट्रैक्टर के साथ में खेती को क्या है, जोड़ा जाता है, फिर ड्राइवर उस ट्रैक्टर को चला, मिट्टी को
से ऊपर नीचे कर देता है बेटा। इस तरीके से कल्टीवेटर और प्लगिंग वगैरह यूज करके हम सॉइल को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। फिर सोइल के बाद हम उनका क्या करते हैं बेटा, सोविंग करते हैं। सोविंग मैंने बताया क्या होता है, सोविंग मीन्स सोइल तैयार होने के बाद, मिट्टी तैयार होने के बाद उसको बीज डाले जाते हैं जिस फसल को अपने को ग्रो करवाना है। जैसे मान लो हमें वीट ग्रो करनी है या हमें टमाटर या टोमेटो उगाना है तो टोमेटो के बीज हमने को डालना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमें वीट ग्रो करवाना है तो हमें वीट के बीज को सीड्स डालने पड़ेंगे। सीड्स कहते हैं बीज को बेटा, ठीक है। अब डाल तो देंगे लेकिन हमें इन सीड्स को क्या करना पड़ेगा पड़ेगा, इन सीड को कैसे सेलेक्ट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। इंशाल्लाह अगली क्लास बहुत जल्द होगी, ठीक है बेटा। आज की क्लास यही समाप्त, अल्लाह हाफिज़।